सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड फाइनली एक और न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ। एंड गाइस, आज की जो वीडियो रहेगी वो सेंसिटिविटी के ऊपर रहेगी, और ये कोई ऐसी वैसी सेंसिटिविटी नहीं है। इसको अप्लाई करने के बाद आप एकदम जीरो रिकॉइल स्प्रे दे पाओगे किसी भी बंदे को। अब तक आपने यूट्यूब पर सेंसिटिविटी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, लेकिन आपको अभी तक कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिला होगा। जब हम किसी बंदे को स्प्रे देते हैं, किसी बंदे को हम शूट करते हैं, तो हमारा रिकॉइल इतना ऊपर जाता है, ऊपर जाते जाते सीधा बाहर ही चला जाता है। सेंसिटिविटी को लेकर मैंने अपने चैनल पे पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी सारे बंदों के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमारा लो एंड डिवाइस है, कोई इसके लिए सेंसिटिविटी बता दो। तो कुछ बंदों के ऐसे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमारा ये डिवाइस है, इसके लिए सेंसिटिविटी कोई बता दो। अरे भाई, मेरे पास तो एक ही डिवाइस है जिससे मैं गेम प्ले करता हूँ। अब मैं आप सभी के लिए अलग अलग डिवाइस से सेंसिटिविटी कोड तो बना नहीं सकता, इसलिए मैंने एक प्रॉपर सॉल्यूशन निकाला है। मैंने एक ऐसी सेंसिटिविटी बनाई है जो लो एंड डिवाइस एंड एप्पल iOS ऐसे हाई एंड डिवाइस में भी काम करेगा। अब मैं जो सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आप ये वाली सेंसिटिविटी बिल्कुल सेम टू सेम अपने VGMI ID में अप्लाई कर लेते हो, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई भी दूसरी सेंसिटिविटी वाली वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी भी बंदे की सेंसिटिविटी कोड कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों। आज के डेट में 74% ऐसे BGMI प्लेयर्स हैं जिनके पास एक अच्छी सेंसिटिविटी नहीं है, और वो रोज़ YouTube पर सर्च करते हैं सेंसिटिविटी कोड के बारे में, कोई अच्छी सेंसिटिविटी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आइए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड गाइस, अगर ये सेंसिटिविटी से आपका रिकॉइल कंट्रोल होता है, आपका गेमिंग पहले से ज़्यादा बेटर बन जाता है, तो आपको इसके लिए आकर वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल वाले नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना है, ताकि हम ऐसे और भी अच्छे वीडियोस अपलोड करें और वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और हाँ दोस्तों, ये सेंसिटिविटी को डिटेल में लेकर मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, तो ये वाली वीडियो में मैं सिर्फ आपको इसका शो ऑफ कर दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने BGMI ID में इसको अप्लाई कर देना। अब वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, इसलिए मैं बस आपको इसका शो ऑफ करके दिखा रहा हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी एक वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हो। अब मैं आपको ले चलता हूँ सेंसिटिविटी वाले पेज पे, और यहाँ पे आपको मैं जायरो प्लस नॉन जायरो दोनों सेंसिटिविटी दिखाऊंगा। ये दोनों सेंसिटिविटी आप सेम टू सेम अपने BGMI ID में अप्लाई कर लेना, जिसके बाद आपका रिकॉल एकदम जीरो हो जाएगा। सबसे पहले आता है कैमरा सेंसिटिविटी। अब ये सेंसिटिविटी आपके स्क्रीन की सेंसिटिविटी होती है जब आप फायर नहीं करते हो। यहाँ पे ये जो भी सेंसिटिविटीज आपको शो हो रहे हैं, इनको अगर आप चाहें तो 2 या 4 कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा कम या ज़्यादा कर दिया तो आपकी सेंसिटिविटी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, आप जीरो रिकॉल स्प्रे नहीं दे पाओगे। और फिर इसके बाद आता है ADS सेंसिटिविटी। ADS सेंसिटिविटी जब आप फायर करते हो और किसी भी बंदे को स्प्रे देते हो तब काम करता है। तो ये जो सेंसिटिविटी है, इसको भी अगर आप चाहें तो 2 या 4 कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस मत रखना दोस्तों, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डिफरेंस रखोगे तो आपकी सेंसिटिविटी कम ज़्यादा होने के कारण आप प्रॉपर फायरिंग नहीं दे पाओगे, प्रॉपर जीरो रिकॉइल स्प्रेड नहीं दे पाओगे। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इसको एज इट इज़ सेम टू सेम रहने देना, आप इसको जैसा शो हो रहा है वैसा ही कॉपी कर लो। और अब आता है कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक। ये वाली जो सेंसिटिविटी है दोस्तों, ये आपके आई वाले आइकन की सेंसिटिविटी है। इसको आप पूरा फुल भी कर सकते हो या फिर एज इट इज़ अप्लाई कर सकते हो। अभी ये जो सेंसिटिविटी आप देख रहे थे, ये थी नॉन जैरो की, यानी कि जो बंदा नॉन जैरो खेलते हैं वो इस सेंसिटिविटी को कॉपी कर लेना। और अब हम बात करेंगे जायरोस्कोप की। जो बंदे जायरोस्कोप खेलते हैं, इसको ऑन करके खेलते हैं, वो बंदे इस जायरोस्कोप वाले सेटिंग को इनेबल कर लेना, और इनेबल करने के बाद यहाँ पर जो भी सेंसिटिविटी आपको शो हो रही है इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेना, अपने इसमें अप्लाई कर लेना। अब जहाँ तक मुझे पता है, जायरोस्कोप के बहुत ही मिनिमम प्लेयर्स होते हैं। अगर आप भी एक जायरोस्कोप प्लेयर हो तो नीचे कमेंट में जायरो लिख देना, और अगर आप एक नॉन जायरो प्लेयर हो तो नीचे नॉन जायरो लिख देना। जरा हम भी तो देखें कौन से प्लेयर्स ज़्यादा हमारे BGMI खेलते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको जायरोस्कोप के साथ साथ नॉन जायरोस्कोप की भी सेंसिटिविटी दिखा दी है, और ये जो सेंसिटिविटी है दोस्तों, ये सभी डिवाइस में वर्क करेगी। अगर आप एक लो एंड डिवाइस में गेम खेलते हो तो भी आपके डिवाइस में वर्क करेगी, और अगर आप एक हाई एंड डिवाइस में गेम प्ले करते हो तो भी आपके डिवाइस में एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी। यानी कि दोस्तों, डिवाइस चाहे कोई भी हो, रियलमी, नार्जो, ओप्पो, वीवो या फिर एप्पल iOS, कोई भी हो, ये जो सेंसिटिविटी कोड है सभी के डिवाइस में वर्क करेगी। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में सेंसिटिविटी कोड भी दे दिया है,
तो अगर आप चाहें तो वहां से भी सेंसिटिविटी कोड कॉपी करके अपनी बीजीएमआई आईडी में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा यह वाला स्कोप की सेंसिटिविटी बहुत ही बढ़िया है तो आप एक एक करके सारी सेंसिटिविटी कॉपी कर सकते हो। आई होप गाइस हमारी यह सेंसिटिविटी वाली वीडियो देखने के बाद अब आपको सेंसिटिविटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी एक्यूरेसी एकदम इंक्रीज हो जाएगी, पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।